नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को कमेटी का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक की जांच 4 सदस्यों की कमेटी करेगी। कमेटी की अगुवाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर रोक लगा दी है। जान लें कि पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय दोनों ने मामले की जांच के लिए अपनी अपनी कमेटी गठित की थी। दोनों ने एक दूसरे की जांच पर भरोसा नहीं होने की बात कही थी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ारा ने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिया। भड़ारा ने पिछली बार मेरठ के मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। आरएलडी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता अवतार भड़ाना आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। बता दें कि पिछले साल चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी के सामने अपनी पार्टी के खोते जनाधार को बचाने की चुनौती है। किसान आंदोलन ने जयंत को वो मौका भी दिया। जयंत पिछले एक साल से जिस तरह आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे, उससे भी इन्हें खूब सहानुभूति मिली। अब जयंत को लगता है कि पश्चिमी यूपी में जाट, सिख और मुस्लिमों की लामबंदी के बदौलत आरएलडी फिर से अपनी खोई ताकत जुटा चुकी है और इसलिए जयंत अब इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मथुरा से श्रीकांत शर्मा ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के ज्यादातर मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया जाएगा। वहीं कुछ मंत्रियों की सीट बदली जा सकती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मथुरा जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मथुरा में पहले चरण में ही मतदान होना है। ऐसे में जिला प्रशासन और यूपी पुलिस समेत सभी ने कमर कस ली है। मथुरा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार 18,71,000 मतदाता 2,219 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। उत्तरकाशी के जिला महिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और मुख्य चिकित्साधिकारी की तरफ से कोविड की प्रिकॉशन डोज लगवाई गई। ये जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी की तरफ से दी गई। जिलाधिकारी ने आम जनसभा को रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने खाकी को चुनौती देते हुए बैंक अधिकारी को उसके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास के इलाके में सन्नाटा पसर गया। हत्या के बाद क्षेत्र में भय का माहौल देखने को मिला। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। एरिया क्षेत्र में आज सुबह लगभग 8 बजे के करीब सूचना मिली कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस द्वारा आकर यहां छानबीन की गई। इनका नाम जयप्रकाश पाल है, जो कि मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं और ये यहां एक बैंक में पीओ की नौकरी करते हैं। इनकी डेड बॉडी यहां पर मिली है और बॉडी देखने से प्रथम दृष्टया बुलेट इंजरी दिख रही है। इनके परिवार को सूचित कर दिया गया। यहाँ पे फील्ड फॉरेंसिक यूनिट मौजूद है। संत कबीर नगर के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य के मद्देनजर शंभूनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में पुलिस के सभी जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाइयां दी गई।
डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव के नेतृत्व में शंभुनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल की कुशल टीम ने जवानों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया है। शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी के माध्यम से पुलिस लाइन में शिविर लगाया गया कप्तान साहब के नेतृत्व में, जिसमें यह देखा जा रहा है कि कोई ऐसी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है, जो है तो उसका इलाज किया जा रहा है मेडिकल कैंप। औरैया में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में गांव के लोगों को 2 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा, उसी के चलते आज ग्रामीणों ने तहसील का घेराव करते हुए आपूर्ति कार्यालय में शिकायत की। ग्रामीणों ने दावा किया कि पहले भी इसी तरह से जिलाधिकारी समेत आपूर्ति कार्यालय में शिकायत की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बार शिकायत पत्र देने के बाद प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। गल्ला के मामले में किस गांव के रहने वाले हैं? जोगीपुर। क्या परेशानी हुई है कोटा डीलर से? कोटा डीलर अंगूठा लगवा लेता है और गल्ला देता नहीं है, जाके कल ले परों ले 4 दिन बाद आओ देता ही नहीं। आपने कहां कहां इसकी शिकायत करी है और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? आपूर्ति विभाग में और टीम थी। तो क्या अधिकारियों की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई कोई। बांदा के पलानी थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते 18 साल के युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बांदा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अज्ञात कारणों से युवक ने फांसी लगाई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल छानबीन कर रही है। घटना किस वजह से हुई, किस वजह से फांसी लगाई गई, ये सब कुछ अभी सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई। आपको जानकारी दे रहे हैं कि बांदा के पलानी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर अज्ञात कारणों के चलते 18 साल के युवक ने फांसी लगा ली। वहीं घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बांदा से तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उसी घर की तस्वीरें हैं जहां इस वक्त मातम का माहौल है। आपको बता दें कि अज्ञात कारणों के चलते 18 साल के एक युवक ने फांसी लगा ली, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। अगर बदायूं की बात की जाए तो प्रत्येक दल जिस तरह से बदायूं की राजनीति, बदायूं की किस सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन बीएसपी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रखे हैं। दातागंज 117 विधानसभा सीट पर बीजेपी की बात की जाए तो कई संभावित प्रत्याशी मैदान में है, यही हाल सपा का है, लेकिन बीएसपी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। इसी को लेकर बीएसपी दातागंज विधानसभा प्रत्याशी रचित गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजय राठौर ने। क्या कुछ कहा है रचित गुप्ता ने, इसको आप भी जरा सुनिए। जिस तरह से बदायूं की राजनीति गर्मा रही है उसी को देखते हुए जो भाजपा के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो छोड़ करके कहीं ना कहीं सपा में शामिल हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2022 की जो राजनीति है या जो पारा चढ़ रहा है वो चढ़ करके कहाँ पहुंचता है। आने वाले जो 14 फरवरी को चुनाव हैं उसमें जा करके जो है किस तरफ वोट जाएगा, अब देखने वाली बात है। अगर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आज पहुंच चुकी है दातागंज 117 विधानसभा पे और हम यहां से बात करेंगे बीएसपी का जो प्रत्याशी हैं, यहां से घोषित प्रत्याशी हैं रचित गुप्ता। अब देखने वाली बात है कि बीएसपी अन्य पार्टियों की अपेक्षा उनमें मंथन शुरू है किसको प्रत्याशी घोषित किया जाए, किसको उतारा जाए। इसको देखते हुए कई बदायूं से दिग्गज नेता पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। आज अगर हम बात करेंगे यहां से जो प्रत्याशी हैं रचित गुप्ता, उनसे जानेंगे कि एक बड़ा जो है
मुद्दा भी है, एक बड़ा समस्या भी है कि जिस तरह से वर्चुअल मीटिंग 15 तक जैसे कि प्रशासन ने रोक लगा दी है, किसी तरह की मीटिंग नहीं कर सकते, किसी तरह की नहीं कर, तो क्या डिजिटल माध्यम से कैसे संभव हो पाएगा? आजकल सोशल मीडिया का टाइम है और डिजिटल माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है कि हम जल्द से जल्द लोगों के पास पहुँच पाएंगे। बीजेपी ने इसको लगा के अपनी एक बिल्कुल जिसे कहते हैं हतोत्साहित वो हो चुके हैं, क्योंकि उनकी सारी रैलियां तो फेल हो गई थी और 15 तक जब आचार संहिता इन्होंने लगाई है और उसी दिन ये लगा देते हैं कि 15 तक हम रैली कर सकते हैं या परमिशन ले सकते हैं। 15 तक तो वो परमिशन हम सिर्फ इसलिए नहीं ले सकते, आदरणीय बहन जी का जन्मदिन उस दिन मनाया जाता और पूरे देश में पूरे प्रदेश में ऐसा जनसैलाब उमड़ जाता कि बीजेपी को पता चल जाता हाशिए पे पहुंच चुकी है। और आज दिन भर में मैंने जो अभी थोड़ी देर में मीटिंग में था लेकिन न्यूज़ में देख रहा था कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी भी भाग गए, हमारे पड़ोस की विधानसभा से रोशनलाल वर्मा जी भी भाग गए। ऐसी भगदड़ मची है कि वो उस भगदड़ को रोकने में भी नाकामयाब हैं। और डिजिटल माध्यम से अगर कन्विंसिंग होगी तो ठीक है, हमारे देश की जनता ठीक रहेगी और हम लोग अच्छी तरीके से वो भी मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। जिस तरह से रजित जी, जिस तरह से बीजेपी में भागम भाग पड़ी है, सपा में लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2022 में बीएसपी को कितना फ़ायदा हो पाएगा? आप देखिए, जो लोग भाग रहे हैं वो लोग बीजेपी में भी कहीं बाहर से ही आए थे, बीएसपी का प्रोडक्ट थे। जो लोग भागे हैं, दोनों आज जो भागे हैं, वो बीएसपी का प्रोडक्ट थे। और हमारा वोटर, आज सुबह भी एक पत्रकार महोदय मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने कहा हमारा वोटर बहुत साइलेंट है, बहुत शांति से अपना काम करेगा। और इस भगदड़ को ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी कहीं है ही नहीं अब, और एंटी बीजेपी वोटिंग होगी और 100% बीएसपी अपनी सरकार 2022 में बनाएगी। एक देखने को ये भी मिल रहा है कि अगर 2022 की बात की जाए तो 2022 में जैसे कि एक मुकाबला था सपा और भाजपा का, तो अब तो धीरे धीरे लगता है कि जो है सपा और बीएसपी का ही मुकाबला देखने को मिलेगा। रजत जी, मैं आगे जानना चाहूँगा कि आप जो विधानसभा में चुनाव के लिए आए हैं तो अपने जो है चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस स्तर के मुद्दे लेकर के आप जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं, जिनको जनता के समक्ष क्या लेकर के जा रहे हैं? सबसे अहम मुद्दा मेरी विधानसभा का जो मैंने 3 चिन्हित करे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, और इसके बाद बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है जो पिछली गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रदेश में लड़के हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार घूम रहे हैं। मैं रोज़गार देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये थे हमारे साथ 117 विधानसभा दातागंज की बात की जाए तो घोषित प्रत्याशी थे बीएसपी से, और इनका मानना भी है कि जो युवाओं को रोज़गार है और जो 117 विधानसभा के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है आगामी आने वाले समय में, अगर बीएसपी की गवर्नमेंट बन के आती है तो हम उनको उस जो है संभवता पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन न्याजी के साथ विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, बदल। यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। कोक बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे। अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। नया सवेरा, नया सफर, नया है आगाज, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। चाय की चुस्कियां, गुड मॉर्निंग इंडिया के साथ।
बाय मम्मी, बाय पापा। हाय। इससे अच्छी शुरुआत क्या भला हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया। दिन भर के लिए रहिए फुल अपडेट, दिन भर के बड़े डेवलपमेंट्स, दिन भर की पॉजिटिव खबरें। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया पारुल त्यागी के साथ और काजल नारायण के साथ। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है, मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है। तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इनसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा। हमें काहे के डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,94,720 नए मामले सामने आए, जबकि 442 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 60,406 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,60,510 हो गए, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 9,55,319 हो गई। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4,868 हो गए। कोरोना महामारी से देश में अब तक कुल 4,84,655 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना की इस रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर के साथ चल रहा है। अब तक 153 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। देश में मंगलवार को कोविड रोधी टीके के 76,68,282 खुराक लगाई गई, जिसके साथ ही देश में अब तक टीके की 153.7 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारियां मुहैया कराई हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल मंगलवार को चंडीगढ़ में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं पंजाब चुनाव से पहले जसविंदर का बीजेपी का दामन थामना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। बता दें कि पंजाब में 14 फरवरी को एक चरण में चुनाव होने हैं। वहीं इससे पहले पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह गोशा और अमृतसर के पूर्व पार्षद धर्मवीर सरीन समेत पंजाब के कई नेता मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में कोविड 19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्राइवेट ऑफिस और उनके कर्मचारियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजधानी में अब सभी प्राइवेट दफ्तर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना महामारी के बीच अब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम नियम का पालन अनिवार्य है। डीडीएमए का यह आदेश आज से लागू हो गया है। वहीं डीडीएमए ने यह भी साफ किया है कि प्रतिबंधों से छूट प्राप्त कर कुछ दफ्तरों को खोला जा सकता है। डीडीएमए के दिशा निर्देशों में जरूरी सेवाओं से जुड़े निजी दफ्तरों को छूट दी गई है। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सभी रेस्टोरेंट और बार में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि होटलों से खाना पैक कराकर ले जाने की इजाजत दी गई है। कोरोना की स्थिति को लेकर उपराज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में समीक्षा की गई। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर के गोलोरा थाना क्षेत्र में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक युवती इस वीडियो में युवक की चप्पलों से पिटाई करती नजर आ रही है। वीडियो करीब 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि मामले में थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई है। सिद्धार्थनगर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वायरल हो रही है, काफी चर्चा में है। इस वीडियो में युवती एक युवक को चप्पलों से पीटती हुई नजर आ रही है। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसके बाद अब ये घटना सोशल मीडिया पर चौतरफा वायरल हो रही है। अभी तक हालांकि पुलिस ने बताया है कि कोई भी तहरीर नहीं मिली है, तो ऐसे में कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अमित जानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनको एक साल पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सिवाल खास विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। तभी से अमित जानी सिवाल खास सीट पर तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। ऐसे में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की पार्टी इकट्ठा होकर अब चुनाव मैदान में है। इस सीट से किसी और प्रत्याशी के आने की संभावना है। फिलहाल आपको जानकारी देते हुए बता दें कि अमित जानी का टिकट काट दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। मिथुना के विधायक विनय शाक्य, जिनके लापता होने की बात परिवार ने कही थी, उनका बयान सामने आया है। विनय शाक्य ने लापता या अपहरण की बात को गलत बताया है और कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में जाएंगे। हालांकि अब तक मौर्य का खुद सपा में जाना साफ नहीं है। विधुना विधायक विनय शाक्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने की सहमति जताई है। उन्होंने अपहरण होने की बात का खंडन किया है। विनय शाक्य का स्वास्थ्य खराब और उनको पैरालिसिस होने के कारण वो साफ बोल नहीं पाते। अस्पष्ट शब्दों में ही शाक्य ने सपा में जाने की बात कही। इतना ही नहीं, विनय शाक्य की मां और भाई ने अपहरण की बात का खंडन किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।